अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। MCM 304 का लेसन नंबर 3 शुरू करते हैं, और लेसन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेक श्योर यू हिट द नोटिफिकेशन आइकॉन। अच्छा, मास मीडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अयूब खान के एरा में क्या नाइंसाफियाँ हुई थी प्रेस के साथ, वो बता रहे हैं कि जब इंडिपेंडेंस हो गई कोई भी पता ही नहीं था कि मतलब रिफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स थे, मशीनरी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम थे गवर्नमेंट के पास, के प्रिंट मीडिया की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं मतलब गया। इतना अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो इतने सारे पाकिस्तान पे इतनी सारी मुसीबतें आई हुई थी, तो उस टाइम जब न्यू न्यू बना था, वही बात है जब आप न्यू ऑफिस सेटअप करते हैं तो उसमें कि सब कुछ नए घर को सेटअप करने में कितना टाइम लगता है, तो फिर भी वो एक मुल्क था तो मुल्क को सेटअप करने में फिर कितना टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें ग्रेजुअली ही जो है ना वो बढ़ती हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था मास कॉम का पाकिस्तान में, और चंद ही जो रेडियो स्टेशन थे वो फंक्शनल थे। जो पेशावर का जो एक अभी MCQ के हवाले से जो मैंने ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्कअप कर दिए हैं, जो जो रेडियो स्टेशन जो पेशावर वॉज बिल्ट इन 1927 में रेडियो स्टेशन ऑफ पेशावर बिल्ट हुआ था, और लेकिन जो जो रेडियो स्टेशन था इस पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है ना वो खबरें दी जाती थी, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे फार्मर्स को उस टाइम जो किसान थे कि कैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी खबरें थी वो दी जाती थी उनको। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्रिंट मीडिया के अंदर भी ना बहुत तब्दीली की जाएगी, शिफ्ट होगा कि वो उसको ज़्यादा एडवांसमेंट उसमें आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका बदकिस्मती से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे लोग जो है ना वो आए थे माइग्रेट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, पैसों का मसला था, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था, मशीनरीज का मसला था, तो गवर्नमेंट रिमेन डिसहीवील्ड एंड सो एज द प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया वैसा का वैसा ही रहा और उसमें कोई चेंज ना आया, और फिर लॉ और ऑर्डर सिचुएशन भी ऐसी कंट्री थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं ली जाती। न्यूज़पेपर जो है ना पहले इंडिपेंडेंस से पहले दिल्ली में जो है ना न्यूज़पेपर छापा जाता था, लेकिन वो फिर जो है ना कराची में शिफ्ट हो गए, लेकिन जो लाहौर के न्यूज़पेपर जहाँ पर काम कर रहे थे वो कंटिन्यू टू वर्क इन नॉर्मल रूटीन। सम सिविल एंड मिलिट्री गैजेट्स वर प्रिंटेड इन इंग्लिश। इमरोज़ जो था फर्स्ट पब्लिकेशन थी, जो कि पहला पब्लिकेशन था गुड टीम इन पाकिस्तान, जिसने बड़ा मतलब के फेमस हुआ पाकिस्तान में। मैं जो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी जिनमें अब्दुल्ला मलिक, फैज़ अहमद फैज़, चराग हसन हसरत केम अंडर वन रूफ, इन्होंने मिल के ही जो है ना इसके ऊपर काम किया। इमरोज़ पब्लिकेशन हुई पाकिस्तान में, बड़ी पॉपुलर भी हुई। फिर 1953 में कोहिस्तान के नाम से, ये जो है ना चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए, इसमें से बहुत सारे मुझे ये हसरत वाला तो MCQs बहुत आया था, इस टाइप के MCQs आए थे कि इमरोज़ का न्यूज़पेपर के क्यों छापने में किन पर्सनालिटीज़ का हाथ था, कोहिस्तान का न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ पब्लिकेशन होना, कौन किसने छापा, कौन सा नावल राइटर था, तो ये सब छोटे छोटे ये ऐसे ही पॉइंट्स आए थे इसमें, बोरिंग है याद करना, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। 1953 में कोहिस्तान में जो है ना पब्लिश किया था, कोहिस्तान के नाम से एक न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश किया था एक फेमस नावल राइटर थे जिनका नाम था नाजिम हिजाजी जो कि रावलपिंडी में थे। ठीक है, इस न्यूज़पेपर ने एक न्यू ट्रेंड दिया पब्लिकेशन को, पहले ऑफसेट प्रिंटिंग होती थी तो इन्होंने लीथो प्रिंटिंग जो इसमें पिक्चर्स भी थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, तो 1953 से पहले कोई पिक्चर्स नहीं थी, लीथो प्रिंटिंग नहीं थी, तो कोई फ़ोटो जर्नलिज्म नहीं थी, क्योंकि लीथो प्रिंटिंग में ही फ़ोटो जर्नलिज्म होती है।
1953 में कम्युनल राइट्स जो है ना अहमदीज़ और मुस्लिम्स में ना कोई इख्तलाफात आने लग गए, तो कमीशन उनके लिए बनाया गया। तो कमीशन में जो जस्टिस मुनीर अहमद थे और जस्टिस कियानी थे। कमीशन की फाइंडिंग में ये पता चला कि जो न्यूज़पेपर है उसने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, उन्होंने प्रोवोक किया है कम्युनल राइट्स को, और ये न्यूज़पेपर की ही मतलब न्यूज़पेपर सब कुछ जो है ना ब्लेम डाला सारा न्यूज़पेपर पे। फिर 1953 में टिल 1957 मीडिया वॉज़ फ्री इन पाकिस्तान। 1957 में जो है ना मीडिया फ्री हो गया था पाकिस्तान में। सिर्फ 60 केसेस थे जो कि मीडिया के ख़िलाफ़ लिए, न्यूज़पेपर्स के ख़िलाफ़ किए गए थे और एक्शंस भी लिए गए थे। 60 केसेस रजिस्टर किए थे और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिए गए थे। फिर 1960 में मैगजीन्स ने जो है ना रिप्लेस बाय डाइजेस्ट, पहले मैगजीन्स होते थे फिर डाइजेस्ट आने वो लगे, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल को कॉपी करके इन्फ्लुएंस होके जो है ये आने लगे मैगजीन्स। फिर प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड ने जो है ना उन्होंने पब्लिश किया लैलो नहार, इमरोज, पाकिस्तान टाइम्स एंड लिटरेरी पर्सनालिटीज़, जो कि लिटरेरी पर्सनालिटी है, जो कि लिटरेरी कहते हैं एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ जो के साथ इनके साथ अटैच थी, और उन्होंने उसके साथ जो है ना प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन लिटरेचर जो का आगाज़ भी हुआ, और इसके दौरान जो है ना गवर्नमेंट में शिफ्ट आ गया, मार्शल लॉ लग गया, जनरल अयूब ने कंट्रोल ले लिया पूरा, टू इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज बन गई, देवर टू इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज जो के थे APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और PPI पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल, PPI पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल जो कि उस वक्त जो ना पाकिस्तान में काम कर रही थी। लेकिन जैसे मार्शल लॉ लगा तो अयूब खान ने कुछ बाउंड्री सेट कर दी और उनको कहा कि जो है ना मतलब फ्रीडम से उतनी फ्रीडम नहीं मिली उनको, रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने जो है ना उनके जो न्यूज़ रिसोर्सेज थी उनके ऊपर उन्होंने होल्ड कर लिया और उनको प्रेस को जो है ना उनकी फ्रीडम मतलब ख़त्म कर दी। नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया एंड गवर्नमेंट ने स्टांस लिया देख के जो ट्रस्ट विल लुक आफ्टर इट, और क्या कहा कि जो भी इसका ट्रस्ट होगा ना गवर्नमेंट ट्रस्टी वो उसके ऊपर देखेगा और न्यूज़पेपर को देखेगा, न्यूज़पेपर एजेंसीज को देखेगा जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही हैं। सो ग्रेजुअली फिर 1960 तक क्या हुआ था, 60% रिनोड न्यूज़पेपर 1960 तक उन्होंने 60% न्यूज़पेपर एजेंसीज पर ना रिनोड मतलब कि दोबारा से ना उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे ख़त्म कर दिया और उनके ऊपर करने लग गए, टुक ओवर करने लग गए। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।